हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कुछ ना कुछ ट्रिक और टिप्स लाते रहते हैं, तो हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि ये Adobe Premiere Pro जैसे हम ओपन करते हैं तो ये देखिए दो एरर आ रहा है, इसको फिक्स कैसे करते हैं इसके बारे में आज बात करेंगे। और इससे पहले अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं तो ये चालू हो जाएगा, और क्या प्रॉब्लम करेगा वो हम आपको बताते हैं। तो ये चालू हो गया और हम एक बना रहे थे WhatsApp इनविटेशन। तो WhatsApp इनविटेशन कैसे एडिट करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, अगर इसके लिए आपको वीडियो चाहिए पूरा वीडियो देंगे, लेकिन मैं अभी बता दूं कि ये हमने क्रिएट किया था WhatsApp। इसके बाद में जैसे ही हमने रेंडर करने के लिए सोचा, कंट्रोल एम करके हम रेंडर करते हैं और जहाँ भी फाइल रखना है वहाँ रख दिया और एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये एरर आ जाती है। आप देख रहे होंगे ये एरर आ गई कि रेंडर नहीं हो रहा है। ये तो ये क्यों आता है इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा प्रोजेक्ट बना लेते हैं और लास्ट में जब रेंडर का समय आता है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको कैसे फिक्स करेंगे इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऑफ कर देंगे। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ड्राइवर की प्रॉब्लम होती है, तो ड्राइवर जो भी हमारा है वो अपडेट नहीं है। अगर यहाँ पर जाएंगे आप देखेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे ड्राइवर है डिस्प्ले, तो ये एक तो हमारा इंटर का ये जो उसके साथ आता है, तो इनमें देखिए ये येलो येलो से निशान आ रहे हैं, इनको हम अपडेट कर देते हैं। तो इनको जैसे अपडेट करते हैं तो ये अपडेट है, देखिए बता रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी है और अपडेट भी है। ये दोनों करके देखते हैं, दोनों भी वही आया कि इंस्टॉल भी है और अपडेट। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम विंडो का अपडेट वर्जन डाउनलोड करते हैं। इसके लिए हम चलेंगे एक वेबसाइट पर, तो ये वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप ऐसे ही विंडो 10 ग्राफिक्स डाउनलोड करके अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमने भी ऐसे ही सर्च किया था, विंडो 10 ग्राफिक्स ड्राइवर डाउनलोड सर्च करेंगे, इसके बाद में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखिए ये लेटेस्ट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप डाउनलोड करते हैं इसको, ये डाउनलोड हो जाएगा। जब तक डाउनलोड होता है तो हम आपको बताते हैं कि हमारे चैनल पर जैसे ही किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, ये सारे PhD फाइलें हैं, आप इन लिंक को देख करके आप उनसे परचेज कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही ट्रिक एंड टिप्स लाते रहते हैं। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया और इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा ये रिस्टार्ट के लिए मांगेगा, तो वीडियो को हमको बंद करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद रिस्टार्ट मांगा, रिस्टार्ट हो चुका है कंप्यूटर, बीच में वीडियो कट गया था तो रिस्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम ओपन करके देखते हैं अपना प्रीमियर प्रो। दोस्तों ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर ये लोडिंग चल रही है और ये हो गया, यानी कि वो जो प्रॉब्लम थी वो ड्राइवर अपडेट करने वाली ही प्रॉब्लम थी, और ड्राइवर अपडेट करने से नहीं होता है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में उसको इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल होने के बाद आप अगर रेंडर लगाते हैं, आपको बता दें कि फिर भी दिक्कत आती है, उस दिक्कत को कैसे ठीक करेंगे। जैसा कि ये हमारा प्रोजेक्ट खुल चुका है, अब इसको रेंडर लगा करके देखते हैं। तो अब जब हम इसको रेंडर करते हैं तो आप देख लीजिए अब वो दिक्कत ख़त्म हो गई। फिर भी अगर कोई दिक्कत नहीं ख़त्म होती है तो आप यहाँ पर वीडियो में आएंगे, और वीडियो में आ करके यहाँ पर हार्डवेयर इनकोडिंग जो लगा है यहाँ पर सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं। कभी कभी
क्या होता है कि हार्डवेयर हमारे पास दो ग्राफिक्स कार्ड हैं, एक तो मेरा एनवीडिया का है और दूसरा जो सॉफ्टवेयर विंडो का होता है अपना खुद का वो है। तो अभी क्या है हार्डवेयर एनकोडिंग, क्योंकि हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड है जिनके पास नहीं होता है, तो वो सॉफ्टवेयर एनकोडिंग लगा करके रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो वीडियो होते हैं प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ी समस्या होती है, इसीलिए हमने सोचा कि आज इसके बारे में बता देते हैं, जिसमें कि जो लोग इसको नहीं जानते हैं वो जान लें और जो जानते हैं उनका बहुत अच्छी बात है। तो अब जैसे इस तरह के इनविटेशन बनते हैं प्रीमियर प्रो में, तो आगे आने वाले समय में मैं बताऊंगा कि ये कैसे आप एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं प्रीमियर प्रो में। और अगर ये चाहिए तो प्रोजेक्ट वगैरह तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं इनको। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।